श्रीमद्भागवत कथा अध्याय 9 अथ नवमो अध्याय युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनसनम प्रागाद यत्र देवव्रतो अपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वैः सर्वणभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवान् अपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः स तैर्विरोचत निपह कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च्युत मिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगासः चक्रिडा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तं राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। सूत जी कहते हैं इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुटे हुए थे सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितो गृत्समदो असितः कच्चीवान गौमतो अत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः अन्ये च मुनियो ब्रह्मान् ब्रह्मरातादयो अमलाः शिष्यैरूपेता आचक्मुः कस्यापांगिर्सादयः तान् समेतान् महाभागानु उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात् विग्रहम् पांडुपुत्रानु पासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानु अनुरागास्त्रैर अंधीभूतेन चक्षुषाः अहो कष्टमहो अन्यायम् यदूयम् धर्मनंदनाः जीवितुम् नार्हथ क्लिष्टम् विप्रधर्माच्यु आश्रयाः संसिते अतिरथे पांडव वृथा बाल प्रजा वधूः यस्मन् अत्कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यत् प्रियं सपालो यद्वसे लोको वायोर्युघनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर् भृगोदरः कृष्णो अस्त्री गांडिवम चापम सुहृत कृष्ण अस्ततो विपत नाह नाहस्य
कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितं यद्विज ज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपिहि। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रिति, गृत्समद, असित, कच्छीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा, धर्म पुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथि पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु की वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं वे सब उन्हीं की लीला हैं। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्या अनुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो। एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोह अन्मायया लोकं गूढश्चरित विष्णुसुः। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुहितमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षाद् भगवान् कपिलो नृप। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरोह सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं। सर्वत्मनः संदृशो ह्यद्वयस्या अनहंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वद्यस्य न क्वचित्। तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे असंसुसत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भक्तया अवेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् अलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिणोम्यहं प्रसन्नहासारूढ लोचनोल्लस अन्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सूत उवाच, युधिष्ठिर अस्तदा कर्ण्यं शयानं सर्पञ्जरे अपृच्छ द्विविधा अन्धर्मा निषीणाम चानुशृण्वताम्।
युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर के इच्छा के अधीन हैं, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिप कर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। पुरुषस्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्या मामना तो अभयरक्षणाम दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदत्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वांछित स्तोत्परायणः तदुपसंहृत्य गृह सहस्रडीर् विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमीलित दृग्व्यधारयत विशुद्धया धारणया हताशुभ अस्तदीक्षैवासु गतायुधव्यथ निवृत्त सर्वे इंद्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टाव जन्यम विसृज अंजनार्दनम। श्री भीष्म उवाच, इति मतिरूप कल्पिता वेत्रिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचि विहर्तुम प्रकृति उपेयुषी यत् यब्धो प्रवाह। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरव वराम्बरम दधाने वपुरल कुलावृतान नाब्जम विजय सखे रेतिरस्तु मे अनुवद्यया। तब तत्वेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म
और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्त और प्रवृत्त रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग सह वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिससे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत पराया योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आँखें उसी पर एक टक लग गईं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एक टक लग गईं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्त विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलखें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधि तुर्गर जोबी धूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंग कृतास्ये मम निशित शरैर विविद्मान अत्वचि बिलसत्वचे अस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्या यश्चरण रतिः परमस्य यस्तस्य मे अस्तु स्वनिगमं पहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो अभ्याच लद्गुरहरिव हन्तुमिभं गत्तोत प्रियः सित विसिख हतो विशीर्ण दंसः छतजप रिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम भिसार
मद्वधार्थं सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। मुझे युद्ध के समय उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है, उनके मुख पर लहराते हुए घुघराले बाल, घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह के जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत है रश्मिन रश्मनि तच्छ्रिये छड़िये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्य मिहि निरीच्य हतागता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतव्य कृतमनु कृतवत्य उन्मदांधाः प्रकृति गमन प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व मुनिगण नृपवर संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजय चसूय एसाम अरहण मुपपेद ईच्छड़ीयो मम दृशि गोचर एस आविरात्मा तमिम महमजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठित मात्मकल्पिता कल्पितानां प्रतिदृश्म्यु नैकधार्कमेकं समधिगतो अस्मि विधूत भेदमोह। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टि वृत्तिभिः आत्मन्या आत्मानमावेश्य सो अंतः श्वास उपारमत संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यै तत्र दुन्दुभयो ने दुर्देवमान ववादिताः ससंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुखितो अभवत् तुष्टुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्
गुहेनामभि ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकारं राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। अर्जुन की रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोच को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल हाव भाव युक्त चेष्टाएं मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनी भगवान श्री कृष्ण मेरी आँखों के सामने पूजा हुई थी, वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही, उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया, उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए, उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्ट क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुत की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलम्भो नाम नवमो अध्यायः। श्रीराधा वल्लभ।